इस वीडियो में हम बनाएंगे सूजी का दूध पीठा। इसे बनाने के लिए हमने एक कटोरी सूजी लिया है। अब हमने कढ़ाई गरम की है, इसमें हम एक चम्मच घी डालेंगे और इसे मेल्ट कर लेंगे। जब घी मेल्ट हो जाए तब हम इसमें सूजी डालेंगे और इसे बीच बीच में चलाते हुए इसके कलर चेंज होने तक इसे रोस्ट कर लेंगे। सूजी का कलर जो है वो चेंज हो चुका है, ये रोस्ट हो गया है। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। एक कटोरी सूजी के लिए हम एक कटोरी दूध डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे हम बीच बीच में चलाते हुए इसका एक डो तैयार होने तक इसे भूनेंगे। डो बनके तैयार है, इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे। और जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम दूध को गाढ़ा करने के लिए रख देंगे। एक लीटर दूध को हम कढ़ाई में बॉईल करने के लिए रख देंगे। दूध जो है वो अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें कुटी हुई इलायची डालेंगे और थोड़ा सा केसर। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा गाढ़ा कर लेंगे। सूजी का डोज है वो छूने लायक ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें घी डालेंगे और इसे एक बार अच्छे से मसल लेंगे। देखिए ये सूजी का डो बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे छोटे छोटे पीसेस में तोड़ेंगे और इसे पीठा का शेप देंगे। आप अपने हिसाब से इसे छोटे या बड़े शेप में बना सकते हैं। एक तो बन के तैयार है। इसी तरीके से हम सभी पीठा को बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए दूध जो है वो एकदम अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। यहाँ सूजी के पीठा भी बना के हमने तैयार कर लिया है। इसमें हम टेस्ट के हिसाब से चीनी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे कुछ देर के लिए और बॉयल कर लेंगे। अब 4 से 5 मिनट बाद इसमें हम सूजी के बनाए हुए पीठे को डाल देंगे। इसमें हमने सभी पीठे को डाल दिया है। इसे मिक्स करेंगे और इसे 10 से 12 मिनट के लिए और पकाएंगे। अब 10 से 12 मिनट बाद हमारा सूजी का दूध पीठा बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इस तरीके से आप सूजी का दूध पीठा बनाकर ज़रूर ट्राई करें, ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।